तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। क्या आकाश जी को इंसाफ मिलेगा? ये मेरा फैमिली मैटर है, बेहतर है कि बीच में नहीं आना। ध्यान से देखिए इस घर को, ये वही घर है जिसमें एसडीएम जिया मौर्या रहती है, जिन्होंने अपने सफाई कर्मचारी पति को छोड़कर अपने सीनियर ऑफिसर से प्यार का संबंध बना के रखी है। क्या ये उचित है? हमारे समाज में इसका क्या असर पड़ेगा? आगे जानने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहे। क्या जमाना आ गया है, पति ने पत्नी को एसडीएम बना दिया और पत्नी उसे ही छोड़ के चली गई। क्या सोच रहा है भाई? क्या सोच रहा हूँ, जब मौर्या दूबे के साथ भाग गई, दूबे की बीवी किसके साथ जाएगी? चल एक काम कर, तू ही रख ले भाई, क्यों टेंशन ले रहा है। सर मुझे अपनी पत्नी एसडीएम जिया मौर्या के नाम का एफआईआर दर्ज करवाना है। साफ साफ बताओ मामला क्या है। सर मैं अपनी पत्नी के सपने पूरे करने के लिए हेलो। हाँ नेहा कैसी हो? अच्छा आशक्ति, यार तुझे तो पता है ना मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, ऑफिसर बनना था, बट क्या करूँ शादी के बाद ना सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा चल मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय बाय। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं आओ बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात है जी? मैं चाह रहा था ना कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करवा दूं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बस यही कि शादी के बाद ना बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, रिश्तों की, परिवार की, तो ऐसे पढ़ाई के लिए समय कहाँ मिलेगा? वो सब ना मुझ पर छोड़ दो, बस तुम यूपीएससी की तैयारी करो। पर छोड़ो ना, तुम प्रयागराज जाने की तैयारी करो बस। पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? पैसे का इंतजाम हो गया है, बैंक में लोन के लिए पेपर अप्लाई करते हैं। ज्यादा सोचो मत, कितना अच्छा होएगा जब एक सफाई कर्मचारी की पत्नी इतनी बड़ी अफसर बनेगी। क्या तुम मेरा सपना सच नहीं करोगे? आपका सपना मेरा सपना हो गया, मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। बच्चे हैं ना दो, बच्चों को मैं संभालूंगा। हाँ तो अच्छा। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ तो आप संभालेंगे ना? ये साइकिल कौन संभालेगा? आप? आपके बाबूजी दहेज में टूटा ही साइकिल दे दिए हैं, बताओ, नहीं तो मैं इलाहाबाद तक पहुंचा देता आपको इससे ना। मैंने वहां सिंह को फोन कर दिया है और वो तुम्हारी वहां सारी व्यवस्था कर देगा। आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता? मन पे काबू रखो और पढ़ाई। और हाँ सामान तो ठीक से पैक कर लिया है ना? हाँ। पहुंच के मुझे फोन करना, और हाँ बाहर का कुछ खाना मत। आप तो अम्मा जी जैसे बातें कर रहे हो। दिल है कि मानता ही। आप चिंता ना करें, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। ठीक है आते सर साहिबा। हाँ सिनु बोल। अबे भाई बधाई हो, भाभी एसडीएम बन गई हैं, अब तो तुम्हें पार्टी देना पड़ेगा। अरे मिठाई क्या यार, आने तो दे जिया को, पूरा पार्टी दूंगा तुम लोगों को। यार भाई तू बहुत खुशकिस्मत है, तेरी तो निकल पड़ी। ठीक है अच्छा रख फोन। एसडीएम बनने के बाद क्या हुआ? सर उसका पूरा नेचर ही चेंज हो गया,
और जब वो एसडीएम बनने के बाद पहली बार घर आई तो एकदम बदली बदली थी। अरे अर्जिया, सर बहुत भारी लग रहा है, थोड़ी चाय बनाओ, दोनों लोग पीते हैं। मैं काम कर रही हूँ, आप खुद बना लीजिए। अरे यार जिया, ऑफिस का काम ना ऑफिस में किया करो, घर में नहीं। आपको क्या पता काम का कितना प्रेशर होता है, सही समय से काम करके ना दो ना तो सीनियर की भी सुननी पड़ती है। अरे यार जब देखो तब लैपटॉप और मोबाइल पर लगी रहती हो, कभी परिवार पर भी तो ध्यान दो। यार दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। हाँ जी बोलिए ना। अच्छा क्या बताऊँ यार, वो मेरा पति है, यहीं पे था ना, इसके लिए फोन उठाया भाई, कैसे करके तो उसको निकाला यहाँ से। अच्छा जरूर, बहुत जल्दी मुलाकात होगी हमारी। ओके लव यू, बाय बाय। जब सब कुछ सही चल रहा था तो तुमको कैसे मालूम कि तुम्हारी बीबी के नाजायज संबंध है किसी और के साथ? सर मैं अपने शादी की सालगिरह के दिन जब मिलने गया तो। जी चाहता है तुम्हारे गुलाबी होठों पर चूम लो, जी चाहता है तुम्हारी सांसों में से। ये तुम्हारी बातें और ये तुम्हारी शायरी गुदगुदी मचाती है। इतनी रात को कौन है? अरे ये कौन है? ये हमारे सीनियर से अभी कुछ ऑफिस के काम से आए थे। हाय, आई एम चंदू। अच्छा जी मैं चलता हूँ। ओके, मैं नीचे छोड़ देती हूँ। जिया ये तुम्हारे सर थे या कुछ? देखिए फालतू के साथ मत कीजिए। इतने भी भोले नहीं हैं। तो आपको कॉल करके आना चाहिए था ना। हम तो आपको सरप्राइज देने के लिए आए थे, लेकिन आपने जो हमें सरप्राइज दिया है वो हमें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। क्या आकाश जी को इंसाफ मिलेगा?
आगे जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहे। ये मेरा फैमिली मैटर है, बेहतर है कि बीच में नहीं आना। तुझे मेरे औकात का अंदाजा, तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा।